अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई किरण, नई उम्मीद, नए इरादों के साथ मैं आपकी शेफ़ सैयदा दामिन एक बार फिर आपकी खिदमत में शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं चिकन के परांठे पठानी स्टाइल में। जैसे आपने खाए होंगे पठान के परांठे मिलते हैं, वैसे ही आज हम उसके बीच में मटीरियल भर देंगे अपना, ठीक है। चले जी, इसकी डो के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लें। इसके लिए हमने पानी लिया, इसको हमने नीम गरम किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके नीम गरम पानी नहीं है, आप गैस नहीं आ रही है आप, तो इसको माइक्रोवेव में रखें और थोड़ा सा गरम कर लें, ठीक है। यहाँ पर हमने वाइट फ्लोर लिया है, अगर आपके पास वाइट फ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने घी लिया हुआ है और नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। चलें, अब सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और फिर मैं इसको गूंदूँगी। देखें जी, मैंने अपने आटे को एक जान कर लिया है, अब मैं इसको मुक्की लगाऊँगी। देखें जी, मैंने इस पर मुक्की लगा दी है, ये देखें आप। अब इसको एक टेबल स्पून भर के ऑयल से हम इसको ग्रीस करेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने अपने बाउल में निकाल लिया है और देखें ऊपर वो थोड़ा सा घी नज़र आ रहा होगा, ये एक टीस्पून मैंने इसके ऊपर घी डाला है। ग्रीस कर दें और अब आप कपड़े से इसको ढक कर रखें, या तो फिर आप इसके ऊपर कोई प्लेट भी ढक सकते हैं, या आप इसके ऊपर रैप पेपर भी ढक सकते हैं। देखें जी, अब मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, ठीक है। तकरीबन हाफ एन आवर, या अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं, और अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसको रूम टेम्परेचर भी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आपको चिकन मैरिनेट करने का तरीका बता देते हैं। इसके लिए हमने अपने चिकन को बॉईल कर लिया है और इसके रेशे कर लिए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने बंद गोभी ली हुई है, तकरीबन एक छोटे साइज़ की बंद गोभी को हमने क्रश कर लिया है। यहाँ पर हमने हरी प्याज का पीछे वाला हिस्सा लिया हुआ है और उसको बारीक बारीक काट लिया है। नमक लिया है, नमक आपने टेस्ट के मुताबिक लें, और ब्लैक पेपर का पाउडर यूज़ किया है। चलें जी, अब हम अपने बाउल में चिकन डाल देते हैं, मैरिनेट कर रहे हैं इसे। देखिए, चिकन डाल दें, बंद गोभी डाल दें, कैबेज, अब इसमें हरी प्याज, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दें, मिक्स कर लें। चलें जी, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम पराठों की तरफ चलते हैं, हम पेड़े बनाएंगे, फिर आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है। चार चम्मच मैदे को, सॉरी व्यूअर्स, हमने इधर चार चम्मच घी में दो चम्मच मैदा लेकर इसका इस तरह से बैटर बना लिया। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर बेल लें, जैसे यहाँ पर जैसे आप सिंपल रोटी बनाते हैं वैसे ही लेना है पेड़ों को। और ये जो बैटर, देखें जी, इतनी बड़ी रोटी बेल लें, और जब आप हमने इसमें बैटर बनाया था, बैटर को लगा दें अपनी रोटी पे। देखें देखें जी, इधर हमने अपनी रोटी पे बैटर लगा लिया है, और अब हम इसमें मिक्सचर डालेंगे चिकन वाला, ये देखें। ऐसे ऐसे फैला दें सारी तरफ। देखें जी, ऐसे हर तरफ हमने बैटर को लगा दिया है। देखें, चिकन को हर तरफ हमने डाल दिया है, ये देखें जी। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी करते जाएं इसके साथ। फोल्ड कर लें, देखें, किनारों को दुबा दें और देखें लंबा कर लें, ये देखें, और इस तरह से ये देखें, हमने अपने सारे पराठों को फोल्ड कर लिया है ऐसे। देखें इस तरह से कितने जंबू जंबू साइज के ये पराठे बने हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट का रेस्ट देंगे। चलें जी व्यूअर्स, अब हम अपने पराठों को बनाना शुरू करते हैं, जो हमने पेड़ा लिया हुआ था। अब हम इसको बेलते हैं, देखें आप।
ये देखें जी हमने पराठे को बेल लिया है, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। ये देखें जी पराठे को तवे पे डाल दिया है, अब इसको फ्राई करेंगे, सेकेंगे। देखें जी दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से करेंगे, आपके पास जितने पेड़े हैं आप उन सबको ऐसे ही करें, ठीक है। पराठे को एक तरफ से सेक लिया है, अब पलट के दूसरी तरफ से सेक रहे हैं हम। देखें जी दोनों तरफ से जब ऐसा हल्का हल्का सा सिक जाए फिर आप इस पे घी लगाइएगा। फ्राई करना है इसको अच्छी तरह से। देखें जी हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है और देखें आप कितने अच्छी से इसका शक्ल आ गई है, और हम दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही सेक रहे हैं। आप भी अपने सारे पराठे ऐसे ही सेक लें अच्छे तरह से, ठीक है। ये देखें इसकी पीछे वाली साइड भी कितनी अच्छी लग रही है, मजेदार सी हमारे पराठे रेडी होने वाले ही है। तो जनाब हमारे मजेदार से कीमे के पराठे बाजार स्टाइल में तैयार हैं, आप खाएं, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।